नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आप फॉर्मेट कैसे कर सकते हो 4TB से ऊपर हार्ड डिस्क FAT32 फॉर्मेट से। तो FAT32 फॉर्मेट बहुत सारे कारणों की वजह से आपको चाहिए होगा, तो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कैसे करके आप फॉर्मेट कर सकते हैं आपका 4TB हार्ड डिस्क या उसके ऊपर FAT32 फॉर्मेट। ये देख लीजिए, इसमें अभी मैंने कनेक्ट किया है NTFS फॉर्मेट से है, तो मैंने अभी ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, ये अभी खोला है मैंने सॉफ्टवेयर। ये आप सॉफ्टवेयर मेरे डिस्क्रिप्शन से लिंक पा सकते हो डाउनलोड कर लिंक। तो अभी इसमें जाके टूल्स में जाके आपको फॉर्मेट ड्राइव में आपको इधर सेलेक्ट करना होगा हार्ड डिस्क 4TB हार्ड डिस्क, और यहाँ पे NTFS फॉर्मेट सेलेक्ट करके आपको स्टार्ट करना होगा फॉर्मेटिंग। तो कंटिन्यू कर दीजिए। यस, इसको थोड़ा टाइम लगेगा अभी फॉर्मेट करने के लिए। देख लीजिए, आपको विंडोज़ में डिफॉल्ट FAT32 फॉर्मेट करने के लिए आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ऑप्शन अभी अफोर्ड आया है। हाई कैपेसिटी हार्ड डिस्क आप फॉर्मेट नहीं कर सकते, तो आपको अभी चाहिए तो आप अभी FAT32 फॉर्मेट कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर द्वारा। तो अभी सॉफ्टवेयर ये फॉर्मेट हो गया, अभी सक्सेसफुल बताएगा। देख लीजिए, फॉर्मेट कम्प्लीट हो चुका है, क्लोज कीजिए। चलिए चेक करते हैं फॉर्मेट क्या हुआ है। देख लीजिए, FAT32 फॉर्मेट में फॉर्मेट हो चुका है हार्ड डिस्क 4TB के ऊपर था वो हार्ड डिस्क। तो देख लीजिए कैसे इस तरह से आप कर सकते हो, ये 3TB 4TB कुछ भी हार्ड डिस्क आप कर सकते हो फॉर्मेट। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।